दोस्तों, भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, नात्रचित विशुद्रवा नारी मित्र ऋदूषणम नवा प्रयास वालुम समिया समाधिकम। हे महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र सुनाता हूँ, तुम सुनो। भुवनेश्वरी नाम बीज में, माया बीज और अंत में नमा संयोग करने से चतुर्दश भुवन में ये एकाक्षरी विद्या विस्तृत है। इस विद्या के समान कोई दूसरी विद्या विज्ञान साधन में समर्थ नहीं है। इसमें न तो चित्त शुद्धि की आवश्यकता है और न मंत्रों में मित्र की, तथा इसमें किसी प्रकार के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस विद्या का जो मंत्रार्थ ज्ञाता चिंतन करता है, उसके हाथ में निरंतर सब सिद्धियां विराजती हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल प्लस सूत्रा पर। और आज के सेगमेंट में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है और दुनिया के बहुत ही कम लोग इस विषय को गहराई से जानते हैं। आज का सेगमेंट मैंने माँ भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ से लिया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन में हर खुशी लाकर दे सकता है, और आपको इस बात को मैं नहीं कह रहा, स्वयं महादेव जी ने कहा है। माता भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम, जिसके बारे में आपने यही सुना होगा कि ह्रीम मंत्र का जाप करने से आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मैं आज इस मंत्र के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, जिससे आपके जीवन के दुख दर्द चले जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होने लगेगी। क्योंकि इस विद्या का प्रमुख कार्य यही है कि मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा करती है। लेकिन सिर्फ ह्रीम मंत्र से नहीं, इसके साथ और भी संपुट का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति माँ भगवती के बीज मंत्र का रोज जाप करता है और वह व्यक्ति अपने भोजन को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके ग्रहण करता है, तो उस भोजन खाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और भोजन अभिमंत्रित करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि हाथ में जल लेकर मंत्र का जाप करते हुए वह जल अपने प्लेट के चारों ओर घुमाना है और माँ को प्रणाम कर अपने भोजन में से एक बाइट बाहर निकाल कर आप भोजन कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिन में इसका असर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम अपनी सभी उन विद्याओं और ज्ञान को भूल चुके हैं जिसके आगे कोई भी विज्ञान टिक नहीं सकता। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी व्यक्ति के भाग्य बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन ये रहस्य वास्तव में दुनिया के किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे हिंदू और सनातन धर्म में, प्राचीन वेदों में आज भी ऐसा ज्ञान है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में आज भी ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिनके आगे आज का एजुकेशन सिस्टम एक बौने की तरह दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों, आज भी ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी विज्ञान के पास नहीं है। जब मैं इन वेदों को और ग्रंथों को रीड करता हूँ, तो उनमें सभी वो बातें बताई गई हैं जो एक साधारण से व्यक्ति को एक राजा तक बनाने में सक्षम है। प्राचीन काल के वेदों में ऐसे गुप्त ज्ञान छिपे हैं जो एक मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दे सकता है। वास्तव में हमारे प्राचीन वेद और ग्रंथ हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं, और यही रूट्स हमें और अधिक स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं अगर हम इनसे जुड़े रहें। अब जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ये हजारों साल पुरानी एक ऐसी विद्या, क्रिया, तकनीक, साधना, जो भी आप कहें, एक ऐसी साधना है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को कुछ ही समय में बदलने का सामर्थ्य रखती है। मेरा मोटिव आपको आपकी रूट्स के बारे में अवगत कराना है, ताकि आप अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें और आप अपनी जड़ों को, रूट्स को मजबूत कर सकें, जिससे आप अपने जीवन को समृद्ध, ऐश्वर्यवान और निरोगी बना सकें। मेरा साथ दीजिए और इस तरह की वीडियोस को आगे शेयर जरूर करें, ताकि सारी दुनिया में ऐसा ज्ञान पहुंच सके और लोगों का जीवन संवर सके। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी वेद और पुराणों से ली गई है, मतलब ये कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। दूसरा, ये जानकारी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, बहुत ही मेहनत के बाद ऐसा कंटेंट बन पाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। इस विद्या के बारे में समवेय महायोगी गोरक्षनाथ ने अपने ग्रंथ कपाल भेदी में कहा है कि इस साधना को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति के पास स्वतः ही लक्ष्मी का अजस आगमन होने लगता है। उस व्यक्ति को चिंता यह नहीं होती कि वह धन कैसे कमाए, परंतु चिंता इस बात की होती है कि वह उस धन को कैसे खर्च करे। यह एक ऐसा रहस्य है जो कि आपके जीवन में हर खुशी लाकर दे सकता है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, यह बात समय महादेव ने माता पार्वती को भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में बताया है। अब मैं आपको इस रहस्य के बारे में कुछ गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ, और आगे इस क्रिया को कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती ने महादेव से कई बार विनती की है, उसके बाद कहीं जाकर महादेव ने इस रहस्य को बताया था, क्योंकि यह रहस्य अत्यंत गुप्त और चमत्कारी है। माँ भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में महादेव पार्वती माता से कहते हैं, यह विद्या संपूर्ण सुखों को देने वाली है, तथा इस क्रिया को करने वाला अभागा मानव भी भाग्यवान हो जाता है, और जो दुख में पड़ा हुआ है उसे सुख प्राप्त हो जाता है। यह संसार में सौभाग्य प्रदात्री है। इस विद्या के स्मरण मास से ही अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है।
गरीब धनी हो जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है, मूर्ख अच्छी विद्या को प्राप्त कर लेता है, जिन जिन सिद्धियों को साधक चाहता है वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। इस विषय में यह कथा भी प्रचलित है कि भगवान राम जब पुनः राजतिलक के लिए बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा था, हे राम, इस जगत में दरिद्र व्यक्ति के लिए अपने लोग भी प्राय हो जाते हैं, परंतु जो संपन्न है, धनवान है, उनसे तो प्राय लोग भी अपनों जैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए हे राम, धनवान और वैभव युक्त बनो और इस कार्य हेतु महामाया भुवनेश्वरी की साधना संपन्न करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। अगर अटूट और कभी न खत्म होने वाली संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो बस एकमात्र यही रास्ता है। और यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम राज्य कितना अद्वितीय, संपन्न और हर्षयुक्त रहा है, और यह सब भुवनेश्वरी साधना से ही संभव हो सका। जब अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से एक साथ भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का उपाय पूछा था तो गुरु दत्तात्रेय ने भी दो टोक स्पष्ट उत्तर दिया था, बस अगर तुम वास्तव में इन दोनों के लिए उत्सुक हो तो बाकी सब विधान छोड़ दो और मात्र महामाया भुवनेश्वरी की साधना करो, जिससे तुम्हें यह सब सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तो साक्षात देवराज इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ होता है। यह धनवानों में महाधनवान, योगियों में महायोगी एवं ज्ञानियों में महाज्ञानी कहलाता है। इस साधना के उपरांत व्यक्ति की कुंडलनी के सभी चक जागृत होने की अवस्था में आ जाते हैं। समाज में उसे पूर्ण सम्मान एवं ख्याति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तो साक्षात देवराज इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ होता है। यह धनवानों में महाधनवान, योगियों में महायोगी एवं ज्ञानियों में महाज्ञानी कहलाता है। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा कुछ क्या कहा जाए। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन से युक्त, सुंदर और स्वरूपमान हो जाता है, और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कोई एक बार निहार लेता है वह उससे बार बार मिलने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्ति के आगे शत्रु ठीक पीपल के पत्तों की भांति कंपायमान रहते हैं और इसके सामने समर्पण भाव में उपस्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान, ज्योतिष और हस्तरेखा आदि में पारंगत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी माँ आदिशक्ति को मानते हैं तो ही आप आगे का वीडियो देखें, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो आज भी खुद और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इस भुवनेश्वरी विद्या साधना में सफलता प्राप्त करने वाला साधक जिस क्षेत्र में भी उतर जाता है, वह चाहे कला हो, विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे राजनीति हो, वह उसमें उच्चतम और श्रेष्ठता प्राप्त करता ही है। माँ भुवनेश्वरी साधना का अर्थ है साधक समस्त प्रकार के भौतिक संपदाओं को प्राप्त करता हुआ साधना के उस उच्चतम सोपान को प्राप्त करे। भगवती माता त्रिनेत्र स्वरूप हैं, उनके तीन नेत्र हैं, अतः उन्हें नेत्रों द्वारा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने के हेतु कहा गया है। समस्त योनियों में पोषण करने के फलस्वरूप उन्हें वरदा कहा गया है, तथा उनके हाथ में शोभित अंकुश शासन शक्ति के प्रतीक हैं। अब जानते हैं कि इस चमत्कारी क्रिया को, साधना को कैसे करना है। यह प्रोसेस बहुत ही छोटा सा है लेकिन प्रभावशाली है। आपको इसे एक अनुष्ठान की तरह संपूर्ण करना है। मैं आपको सारे नियम आगे बताने जा रहा हूँ। यह साधना आपको 13 मार्च के बाद शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं और इसे आपको 21 दिन तक लगातार करना है। जब आप इसे करें तो आप कोशिश करें कि आपका मुख साउथ ईस्ट मतलब पूर्व दक्षिण की ओर मतलब आग्नेय कोण में रहे, और जब आप इसे करें तो आप किसी को इस साधना के बारे में बिल्कुल ना बताएं। इसे आपको गुप्त रखकर ही करना है। अगर आपको किसी को कुछ बताना भी पड़ता है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस मंत्र और साधना के बारे में कुछ भी नहीं बताना और ना ही अपनी इच्छा के बारे में। सबसे पहले आपको इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जिसमें आपको अपने राइट हैंड में एक स्पून से थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़े से चावल और फूल रख लेने हैं। आप तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं और माता और शिव जी का ध्यान करते हुए आपको ऐसे बोलना है, जैसे कि मैं अमित शर्मा, गोत्र भारद्वाज, जन्म स्थान देहरादून, मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ, मैं 6 मार्च 2024 को अपनी इस इच्छा के लिए 21 दिन तक एक माला करने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। हे महादेव, हे आदिशक्ति माँ, मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद दें। मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस अनुष्ठान को पूरा करूँगा। अब आपको मैं वो मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आपको डेली वो मंत्र एक माला करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरीय नमः। आपने आज तक सिर्फ एकाक्षरी शब्द के बारे में सुना होगा, लेकिन वह कितना काम करता है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मंत्र मैंने आपको दिया है इसके बारे में खुद महादेव ने व्याख्या की है, इसमें जरा भी संदेह करने योग्य कुछ रह नहीं जाता। ये मंत्र आपकी किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव आपको तब पता चलेगा जब आप इसे करेंगे और आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे। यह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। ये मानकर चलिए कि कोई मंत्र इस मंत्र के जैसा अतिशीघ्र प्रभाव देने वाला नहीं है। इस मंत्र के जाप करने का प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको इस मंत्र का जाप करने के लिए माता की एक तस्वीर और एक महादेव जी की तस्वीर लेनी है, या आप शिव परिवार की तस्वीर भी ले सकते हैं। और आपको याद रखना है कि बिना महादेव के ये
मंत्र ये पूजा कभी सफल नहीं होगी। इसलिए पूजा को शुरू करने से पहले आप गणेश जी का, फिर भोले शंकर महादेव का नाम लेंगे। एक माला महादेव की मंत्र की, ओम नमः शिवाय की जरूर करनी है, उसके बाद ही मंत्र का जाप शुरू करना है। आपको रोज कम से कम एक माला इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और अगर आप एक माला से अधिक कर सके तो ये बहुत ही अच्छा है। आप 3, 5, 7, 11 या 21 माला भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या एक बार तय हो गई आपके संकल्प लेते हुए, वही हर दिन होगी, आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए सोच समझ कर जाप करने से पहले आपको संख्या को तय करना है। इसे किसी भी समय कर सकते हैं, वैसे ये रात में सबसे अच्छा होता है क्योंकि दिन में काफ़ी काम होते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे आप सुबह भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक समय फिक्स कर लेना, लेकिन डेली एक ही समय करना है। आपको बैठने का एक ही आसन होना चाहिए हर दिन, उसे आपको बदलना नहीं है, और उस आसन को कोई और यूज़ ना करें, वरना आपकी सारी भक्ति, आपका सारा पुण्य दूसरा व्यक्ति वो ले जाएगा जो व्यक्ति उस आसन पर बैठ जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। इस क्रिया के कुछ जरूरी नियम हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही आपको ये साधना पूरी करनी है। आपको इस जाप को 21 दिन तक करना है। सबसे अधिक जरूरी नियम ये है कि इसमें आपको किसी गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव शिव भगवान को अपना गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में सबसे जरूरी है कि आपका आपके साथ होना, मतलब जब आप इस साधना को करें तो आपका मन कहीं और ना हो, आपके मन में इस विद्या के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास होगा, तभी यह फलदायी होगी, अन्यथा नहीं। किसी भी साधना की सिद्धि के लिए गुरु और मंत्र का विश्वास होना आवश्यक है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको इस बात को समझ कर चलना है कि आप आदिशक्ति की पूजा, प्रार्थना, ध्यान करने जा रहे हैं। इन्हीं माता की शक्ति से सारा जग चलायमान है। दोस्तों, मैंने आपको इस मंत्र को एक एजुकेशन पॉइंट से आपको समझाया है, अर्थात आप इस साधना के प्रोसेस को अपनी समझ के साथ करें, क्योंकि इस प्रक्रिया में पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखना है। माँ भुवनेश्वरी, महामाया, आदिशक्ति माँ सर्वव्यापी हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ आप इसे कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने की सोच से नहीं। आप जैसे ही माँ का ध्यान करते हैं वो आपकी सुनती है, इसमें जरा भी शक नहीं है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी तरह की और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू गाइज़।